यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पांचवा दिन, आज विधानसभा में बजट पर होगी चर्चा। कल योगी सरकार ने पेश किया था बजट। समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव होंगे विधान परिषद के सपा नेता। संजय लाठर का आज खत्म हो रहा है कार्यकाल। विधान परिषद में फूट फूट कर रोए संजय निषाद। सपा पर बेवजह जेल में डालने का लगाया आरोप। सीएम योगी की संजय निषाद ने की तारीफ। विधानसभा में सपा विधायकों के साथ बैठकर शिवपाल यादव ने की सीएम योगी की तारीफ। बताया मेहनती और ईमानदार। अखिलेश पर कसा तंज, लाल टोपी पहनने से नहीं आता समाजवाद। सपा नेता आजम खान की जमानत निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट में 12 मुकदमों में मिली जमानत पर उठाए गए हैं सवाल। 2 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। गाजियाबाद के एसएसपी बनाए गए मुनिराज जी। आईपीएस पलाश बंसल को भेजा गया अलीगढ़। एएसपी ग्रामीण बनाए गए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हाईकोर्ट ने किया तलब। खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों ने दाखिल की है याचिका। तलब रिकॉर्ड न देने पर हाजिर होने का आदेश। 30 मई को होगी सुनवाई। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज सीएम धामी करेंगे प्रचार प्रसार। मंत्री चंदन रामदास और सतपाल महाराज भी करेंगे प्रचार। ज्ञानवापी व वाराणसी जिला कोर्ट में कल सुनवाई पूरी। अब सोमवार को दोपहर 2 बजे होगी अगली सुनवाई। गाजियाबाद में बीच सड़क मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। देवरिया में जिला अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरा। प्लास्टर गिरने से एक मरीज के सिर में आई चोट। महानिदेशक को लिखा गया पत्र। सीतापुर से पिटाई का वीडियो वायरल। 2 शख्स की लड़ाई में तीसरा शख्स हाथ में डंडा लेकर आता है और दोनों पर डंडे से जोरदार प्रहार करता है। कौशाम्बी में मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में कई लोग एक दूसरे पर लात घूंसा बरसा रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में मामूली कहा सुनी के बाद दोपक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 11 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। 4 अवैध कॉलोनी पर की गई कार्रवाई। 100 करोड़ की जमीन को करवाया गया कब्जा मुक्त। अलीगढ़ में चेयरमैन की गुर्गो की गुंडाई। व्यापारी के साथ की मारपीट। अतिक्रमण को लेकर हुई थी नोकझोंक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत का बीच सड़क पर धरना। सड़क पर गड्ढों के खिलाफ खोला मोर्चा। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर वाहन 150 मीटर नीचे खाई में गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल।